माँ आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं एक स्पेशल डिश। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जा रहे हैं शाही पनीर रेसिपी, बिल्कुल जैसे कि होटल में मिलती है। यहाँ हमने एक पैन लिया है, पैन को गरम करने रख दिया है, उसमें बटर लिया है, थोड़ा सा ही बटर है, ज़्यादा बटर का हम यूज नहीं करेंगे, आप कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अच्छे से इसको मेल्ट होने देंगे, बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल हम आपको होटल स्टाइल शाही पनीर रेसिपी दिखाएंगे। यहाँ थोड़े से हमने खड़े मसाले लिए हैं, तेज पत्ता है, मुलेठी है, दो तीन इसमें इलायची है, काली इलायची है एक, और तेज पत्ता। ये सब इसको अच्छे से हम भून लेंगे, इसके साथ ही हल्का हल्का हमें भूनना है। यहाँ हमने प्याज ली थी, चार हमने प्याज ली है जिसको हमने रफली चॉप किया है, चार इसमें हरी मिर्च और चार पांच लहसुन की कलियां हमने ऐड की है। इनको इसमें डाल लेंगे और अच्छे से इनको पकने देंगे। हल्के से इसको हम करीब 5 मिनट के लिए पकाएंगे। इससे काफ़ी अच्छा हमारा पेस्ट बनेगा। और इसमें हमने करीब यहाँ 4 टमाटर लिए थे जिनको हमने रफली चॉप कर लिया था, उसको ऐड कर देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स करके बॉईल होने देंगे। करीब हम इनको तब तक बॉईल करेंगे जब तक ये हल्के से सॉफ्ट ना हो जाए। अच्छे से सॉफ्ट होने के लिए ढक देंगे इनको, इसलिए हमने रफली चॉप किया है कि इनको बाद में हम ग्राइंड करेंगे। ज़्यादा इनको हमें बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से मिक्स करके और इनको हम ढक कर रख देंगे। और यहाँ हमने काजू लिया था, काजू हमने 1/2 कप के करीब ली है, इनको भी इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। काजू से इसमें काफ़ी अच्छा टेक्सचर आता है और बहुत ही टेस्टी हमारा शाही पनीर लगता है। अच्छे से आप देख सकते हो ये बॉईल होने लगा है। अभी यहाँ हमने पनीर को क्यूब में कट कर लिया है, मोटे मोटे हमने क्यूब्स बनाए हैं इनके। पनीर को आप फ्राई भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी डाल सकते हो, यहाँ मैंने बिना फ्राई के डाला है। अच्छे से ये आप देख सकते हो टमाटर भी इसके अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और इनका कवर उतरने लगा है टमाटरों का। बाद में जब ये ठंडे हो जाएंगे हम इनका कवर निकाल देंगे। टमाटर का ऊपर का छिलका जो होता है बहुत ही आसानी से ये बाहर निकल आता है। अभी इसको हल्के से प्रेस करके हम देखेंगे तो सारी हमारी ये प्याज और टमाटर सारे काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अभी हम इनको ठंडा करने के लिए रख देंगे। यहाँ हम गैस को बंद कर लेंगे। यहाँ हमने क्रीम नहीं थी हमारे पास, तो हम आपको अमूल क्रीम बनाने का तरीका भी दिखाएंगे। वहाँ उसमें हमने जार में नॉर्मली फ्रेश क्रीम ली है। अभी ये जो हमारा मसाला था इसको हम एक प्लेट में पलट कर इसे ठंडा होने रख देंगे, क्योंकि अगर हम गरम गरम को ग्राइंड करेंगे तो हाथ जल जाएंगे। गरम को हमें कभी भी ग्राइंड नहीं करना चाहिए। अभी इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे, फ़ैन के नीचे रख देंगे। इतने हम अपनी क्रीम को तैयार कर लेते हैं। इस तरह की अमूल क्रीम बनाने के लिए हमने उसमें ग्राइंडर में फ्रेश क्रीम ली थी, उसमें हमने आइस क्यूब डाला, उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया और इस तरह से हमारी वो क्रीम बनकर तैयार हुई है जो हमने आपको दिखाई थी। यहाँ हमने जो मसाला था वो ठंडा हो चुका है, जिसमें हमने एक क्रीम फेंटी थी जार में, उसी में हम ये सारा मसाला डाल के ग्राइंड कर लेंगे। अच्छे से स्मूथ हमें इसका पेस्ट बना लेना है। यहाँ हम ऑयल
ले रहे हैं। यहाँ मैंने सरसों का ऑयल यूज किया है, आप चाहे तो जो भी आप रिफाइंड या फिर जो भी आप ऑयल यूज करते हो उसको डालेंगे। यहाँ करीब हमने 4 चम्मच के करीब ऑयल को यूज करेंगे, ज़्यादा ऑयल का हम इसमें प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें थोड़ा हम बटर डालेंगे, बटर से इसमें काफ़ी अच्छा टेक्सचर और फ्लेवर आता है। ऑयल को गर्म होने देंगे क्योंकि सरसों का ऑयल है, तो इसको अगर हमने ऐसे ही इसमें अपनी ग्रेवी डाल दी तो इसमें स्मेल आएगी, इसलिए अच्छे से हम इनको मिक्स कर लेंगे और इसको ऑयल को अच्छे से पहले गर्म कर लेंगे। उसके बाद हमने जो प्याज और टमाटर की प्योरी बनाकर तैयार की थी उसको हम इसमें ऐड करने वाले हैं। अभी इसको हम इसमें अच्छे से ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पानी डालकर बची कुची प्योरी को निकाल लेंगे। हल्का सा ही पानी डालना है, ज़्यादा नहीं। अभी हम इसमें थोड़ा सा ही 2-3 चम्मच के करीब पानी डालकर हमने इसमें डाल लिया था। अच्छे से हमारा ये ग्रेवी पक चुका है। अभी इसमें थोड़ा मसाला डाल लेते हैं। यहाँ हमने काश्मीरी लाल मिर्च का प्रयोग किया है 1 स्पून के करीब। ये तीखी नहीं होती है क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली हुई है। हल्दी पाउडर 1 स्पून के करीब, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक, स्वाद अनुसार नमक, आप कम या ज़्यादा नमक अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, थोड़ा सा लाल मिर्च जो वैसे वाली होती है, चिली पाउडर उसको यूज किया है, हरा धनिया 1 स्पून के करीब, हरा धनिया वो सॉरी सूखा धनिया ऐड करेंगे पिसा हुआ, और अच्छे से इन सब मसालों को मिक्स कर देंगे हल्के से। हमने गैस को थोड़ा मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है और थोड़ा सा इसमें जाएगा गरम मसाला क्योंकि हमने खड़े मसालों का भी यूज किया है, ज़्यादा हम मसालों का यूज नहीं करते हैं। अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे और कम से कम इसको हम 5 से 7 मिनट तक अच्छे से चलाएंगे जिससे हमारा मसाला और पक जाए। वैसे हमारी जो ग्रेवी थी काफ़ी पहले ही हमने उनको सोटे किया था तो काफ़ी हमारी पहले ही तैयार हो गया था मसाला, इसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता बनाने में इस तरह से, लेकिन टेक्सचर गजब का आता है, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब हमारी ये सब्ज़ी बनकर तैयार होएगी। आप देखना कलर भी सेम आपको वैसा ही लगेगा जैसा आप होटल में खाते हैं या फिर ढाबे में खाते हैं। कमाल का हमारा ये शाही पनीर बनकर तैयार होएगा और हमने टोटल घर की चीज़ों का इस्तेमाल किया है। यहाँ हम इसमें 2 कप के करीब पानी ऐड करें। ग्रेवी आप गाढ़ी या पतली अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, थोड़ा टाइट आपको चाहिए तो आप पानी थोड़ा कम कर सकते हो, लेकिन 2 कप पानी तो डालना ही पड़ेगा क्योंकि थोड़ा ये बॉईल भी होएगा, टाइम लगेगा, 5 से 7 मिनट इसको बॉईल होने में लगेगा। हल्का सा आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आ गया है, बेहतरीन कलर आया हुआ है। अभी जब ये बॉईल होकर तैयार होएगी तो गजब का इसमें कलर आएगा, बहुत ही कमाल की खुशबू उठी हुई है किचन में। इस तरह से आप जब घर में बनाएंगे बहुत ही कमाल की ये हम आपकी डिश तैयार होएगी। यहाँ थोड़ा सा हमें इसमें कम कलर महसूस हो रहा था तो थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च हमने और ऐड कर दिया है, ये तीखी नहीं होती आप देख सकते हो। अच्छे से हमारी बॉईल हो गया है ये मसाला। यहाँ हम 2 स्पून के करीब जो हमने क्रीम बनाई थी उसको ऐड करेंगे। घर में ही क्रीम बन जाती है अगर आपके पास अमूल क्रीम ना हो तो, जैसे हमने आपको तरीका बताया है कि फ्रेश जो दूध पर मलाई आती है उसको उतारिए, उसमें आइस क्यूब डालिए और उसको ग्राइंड कर दीजिए, गजब की वो क्रीम बन जाती है बिल्कुल अमूल क्रीम की तरह ही। यहाँ हम अपने जो पनीर है उनको ऐड कर देंगे। पनीर को यहाँ मैंने फ्राई नहीं किया है, आप चाहे तो सैलो फ्राई कर सकते हो। इसको 2 तरीके से बना सकते हैं शाही पनीर को, वो आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग है कि आपको इसे फ्राई करना है या फिर ऐसे ही डालना है।
अभी करीब 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हो कितना गजब का हमारा कलर निखर कर आया है और बहुत ही कमाल की हमारी ये डिश बनकर तैयार हुई है। एक बार आप इस तरह से ज़रूर बनाकर देखना, आपको बहुत ही टेस्टी और लाजवाब ये डिश बनकर तैयार होगी। और सबसे बड़ी बात है कि हमने इसमें कोई बाहर की चीज़ों का प्रयोग नहीं किया है ज़्यादा, घर में ही जो सामान होता है हमारी किचन में हमने वो ही यूज किया है। उससे बेस्ट हमारी ये शाही पनीर की रेसिपी बनेगी। यहाँ थोड़ी क्रीम हम और ऐड करेंगे, करीब यहाँ मैं आपको बता दूँ हाफ कप के करीब हमने क्रीम ऐड की है इसमें। मस्त इसमें क्रीम से जो टेक्सचर आता है गजब का, बहुत ही कमाल का कलर भी निखर कर आता है और टेस्ट भी इससे बहुत ही गजब हो जाता है। और फ्रेश क्रीम अगर आप यूज कर रहे हो तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर कोई केमिकल नहीं होता है, घर में हमने खुद से बनाई है। अभी आप देख सकते हो कितना कमाल का हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। अभी हम इसको सर्व कर लेते हैं, अभी आपको हम सर्व करके दिखाते हैं कितना कमाल का हमारा पनीर बना है। वाओ, इस तरह से आप पनीर बनाइए और इन्जॉय कीजिए। गजब की ग्रेवी बनी हुई है, बिल्कुल सेम वही आपको टेस्ट मिलेगा इसमें जैसे कि होटल में होता है। ये मैंने आपको रेस्टोरेंट स्टाइल बना दिखाई है, बनाकर मैंने उनसे सीखा था, इसी तरह से उन्हें बनाते हुए देखा, तभी मैंने सोचा ये वीडियो आपको डालकर दिखा दूँ, आप तक पहुँचे। आप देख सकते हो वही सेम टेक्सचर आया हुआ है। यहाँ हरा धनिया डालेंगे, हरे धनिया से तो कमाल का सबसे अच्छा टेस्ट आता है, ये आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग है, लेकिन बहुत ही टेस्टी और लाजवाब हमारा शाही पनीर रेसिपी बनता है। इस तरह से आप रेसिपी बनाइए और इन्जॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सबको थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए, जो सब आप सब मेरी फैमिली बने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे मैं और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।